डब्बावाला सर्विस है वो सप्लाई चेन के लिए तो जानी जाती है, बट डब्बावाले की सर्विस है इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली कैसे है कि डब्बावाला मॉर्निंग में बाइसिकल यूज़ करते हैं, प्राइवेट व्हीकल का ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। और सेकेंड थिंग, जब हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लोकल ट्रेन का यूज़ करते हैं वो टोटली इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलती है, राइट। और फाइनली जब हम डब्बा डिलीवर करने जाते हैं तो हैंड कार का यूज़ करते हैं, हाथ गाड़ी का, तो वहाँ पर भी कोई कार्बन का मतलब उत्सर्जन नहीं होता। तो जहाँ देखोगे तो तीनों भी हम लोग जो यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट मोड, वहाँ पर किसी भी टाइप का मतलब पॉल्यूशन होता नहीं है। प्लस डब्बा वाले की जो सप्लाई चेन है वहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए ना पेपर का यूज़ है ना प्लास्टिक का यूज़ है। जो लंच बॉक्स लिए जाते हैं वो वॉशेबल होते हैं, तो पेपर और प्लास्टिक का भी यूज़ यहाँ पर नहीं किया जाता है, तो नो पॉल्यूशन। इवन वी आर नॉट यूजिंग एनी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इन द सर्विस, ना मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया जाता है ना टेक्नोलॉजी का, सो नो रेडिएशन, नो रेडिएशन प्लस नो पॉल्यूशन, टोटली इको फ्रेंडली।